मजे में हो ना? क्यों नहीं हो मजे में? तो इसे स्लोली आवाज दे रहे हो, ऐसे कर रहे हो। यस, मजे में रहना है मेरी, और मेरी तरह जोर से बोलना कि यस मजे में हूँ। ओके, अब मजे में हो, बातचीत कर ली थोड़ी सी की ना। आपको पता है, आपने एनिमल्स तो देखे ही होंगे, देखे हैं एनिमल्स? नहीं देखे? देखे हैं सबने एनिमल्स, पर आपने ये सोचा है कि वो एनिमल्स कहाँ पे रहते हो? कभी भी सोचा है उसके बारे में? याद करो, सोचा है? नहीं सोचा है? एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एनिमल का घर कौन सा है वो हमें देखना है। देखना है ना कि कौन कौन सा घर एनिमल का होता है, कहाँ पे रहते हैं एनिमल्स? लिव ऑन लैंड, लिव इन वॉटर एंड बोथ प्लेस, लिव ऑन लैंड एंड लिव इन वॉटर। कहाँ कहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, वो कैसे चलते हैं, उसके बच्चे को क्या कहते हैं, उसके घर को क्या कहते हैं, एनिमल्स के होम को, वो हम सब कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके किड्स, तो चलिए ओपन योर माई लर्निंग लेटर फ्रॉम ऑक्सफर्ड। ओके, ओपन पेज नंबर 4040। कौन सा पेज नंबर? 4040। लेट स्टार्ट रीडिंग एंड विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स। एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर प्लेस ऑफ लिविंग। अ हैबिटेट इज अ प्लेस वेर ए प्लांट और एन एनिमल लिव्स। एनिमल्स नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। हेंस एनिमल्स ऑल्सो नीड अ होम। नाउ मूव ऑन पेज नंबर 41। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। सम एनिमल्स फाइंड देयर होम्स इन द फॉरेस्ट। दे डू नॉट बिल्ड होम्स बट दे मैनेज टू फाइंड अ सेफ प्लेस टू लिव इन। केव्स, बरोस, ट्रीज एंड सो ऑन आर सम नेचुरल होम्स। वाइल्ड एनिमल्स सच एज ए लायन, टाइगर, फॉक्स, डियर, ज़ेब्रा, बियर एंड सो ऑन लिव इन द फॉरेस्ट। इट इज देयर नेचुरल होम। सम एनिमल्स सच एज ए मंकीज एंड कोआला बियर्स लिव ऑन ट्रीज। पोलर बियर्स एंड पेंग्विन्स लिव इन कोल्ड रीजियंस वेयर देयर इज अ स्नो। Camels and desert foxes live in hot regions such as desert. Domestic animals and pet animals are kept in our homes. They are provided with a clean and safe place. The homes of these animals are man-made. Okay kids, यहाँ तक हमने reading किया, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर प्लेस ऑफ लिविंग। जहाँ पे प्लेस ऑफ लिविंग मतलब उसके रहने की जगह पर उसके क्या करते हैं, उसको डिवाइड किया गया है कि कौन सा एनिमल कहाँ पे रह रहा है। तो हैबिटेट मतलब ऐसी जगह, प्लेस वेर ए प्लांट और एनिमल लिव्स, ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट और एनिमल्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। एनिमल्स नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। हम इंसान को बचने के लिए घर चाहिए, ये सही आपको पता है, पर ऐसे ही एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स है तो उसको भी बचने के लिए घर तो चाहिए ना। नहीं चाहिए किससे बचने के लिए? फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। इन सब से मतलब हीट मतलब गर्मी, रेन मतलब बारिश, कोल्ड मतलब ठंड, इन सब से बचने के लिए एनिमल नीड ऑल्सो होम। एनिमल को भी घर चाहिए। सो एनिमल कहाँ कहाँ पे रहते हैं? एनिमल को हम इंसान की तरह ही
ठंडी, गर्मी, धूप, तेज तेज धूप, बारिश, बहुत ठंडी, इन सब से बचने के लिए घर चाहिए हमारी तरह ही। ओके, तो एनिमल्स के ग्रुप किए गए हैं कि कौन सा एनिमल कहाँ पे रहता है। उसमें फर्स्ट आया एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। सम एनिमल्स फाइंड देयर होम इन द फॉरेस्ट। कई सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो फॉरेस्ट में, जंगल में अपना घर पाते। दे डू नॉट बिल्ड होम्स, वो अपना घर खुद बनाते नहीं, नेचुरली पाते, बट दे मैनेज टू फाइंड ए सेफ प्लेस टू लिव इन। वो कैसे भी करके ढूंढ लेते हैं अपने लिए सेफ प्लेस और उसको अपना घर बना लेते हैं। केव्स, बरोस, ट्रीज आर सम नेचुरल हो। हमारी तरह एनिमल भी अपना घर बिल्ड कर सकते, जैसे हमने अपना घर बिल्ड किया है वैसे कर सकते नहीं, तो वो नेचुरल वे में जो होम मिलता है उसी में अपना घर बना लेते हैं। तो कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स सच जैसे लायन, टाइगर, फॉक्स, डियर, जिब्रा, बियर, कई सारे एनिमल्स कहाँ पे रहते? फॉरेस्ट मतलब जंगल में रहते। इट इज देयर नेचुरल होम, जंगल उसका नेचुरल होम है। मंकी एंड कोआला बियर्स लिव ऑन ट्रीज। वन टाइप ऑफ बियर है कोआला मतलब, और मंकी वो कहाँ पे रहते हैं? ट्रीज पे रहते हैं। पोलर बियर एंड पेंगुइन्स लिव इन कोल्ड रीजन व्हेन देयर इज स्नो, जहाँ पे बहुत ही बर्फ होती है, आइस होती है, मतलब बर्फ हो वहाँ पे पोलर बियर और पेंगुइन वो उसी रीजन में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी बर्फ हो। कैमल एंड डेजर्ट फॉक्सेस लिव इन हॉट रीजन सच एज अ डेजर्ट। अब डेजर्ट है तो वो तो बहुत ही गर्म होगा, रन तो गर्म ही होगा, वहाँ पे बहुत सारी सैंड ही सैंड होगी, पर वो हॉट सैंड होगी, तो वहाँ पे कौन रह सकता है? कैमल एंड डेजर्ट फॉक्स रहते हैं। फिर डोमेस्टिक एनिमल एंड पेट एनिमल्स आर कैप्ट इन अवर होम, वो हम अपने साथ अपने घर पे रखते हैं। किसको? डोमेस्टिक एनिमल्स और पेट एनिमल्स को। वो कौन कौन से? दे आर प्रोवाइडेड विद ए क्लीन एंड सेफ प्लेस, उसको रहने के लिए हम इंसान क्लीन एंड सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं। द होम ऑफ दिस एनिमल्स आर मैन मेड, ये होम मैन मेड है, ये नेचुरल होम नहीं है, हम इंसान ने एनिमल के रहने के लिए घर बनाया है, जैसे कि काउ के लिए सेड, डॉग के लिए केनाल, हॉर्स के लिए स्टेबल, ऐसे ही सारे हमने होम्स डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स के लिए बनाए हैं, तो वो होम मैन मेड कहलाएंगे। ओके किड्स, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 4 to 42। अ पेट डॉग लिव्स इन ए मैन मेड होम कॉल्ड केनाल। Cows and buffaloes are kept in a shed. Hens are kept in a coop. Pet rabbits are kept in a hutch. Goat and sheep live in a pen. Horses live in a stable. Some animals make their own homes. Birds build their homes on the branches of trees. Some birds build nests in the hollow of tree trunk. Rabbits make burrows under the ground. Some animals such as rats and snakes live in holes dug by them in the ground. Okay, यहाँ तक हमने रीडिंग किया, अब एक्सप्लेन कर। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि हम इंसान ने डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स के लिए घर बनाए हैं, उसको मैन मेड होम बोलते। तो कौन से? डॉग कहाँ पे रहते? डॉग का घर है केनल। काव एंड बफेलोज आर कैप्ट इन अ शेड। काव एंड बफेलो कहाँ पे रहते हैं? शेड पे। हेंस आर कैप्ट इन अ कूप। हेन का घर कौन सा है? कूप। पेट रैबिट्स हच। हाँ देखिए, जो ये पेट रैबिट बोल रही हूँ मतलब हमारे घर पे रहते हैं वो रैबिट हच में रहते हैं, पर फॉरेस्ट में रहते हैं वो रैबिट बरों में रहते हैं। ये क्लियरली समझना कि फॉरेस्ट में रहते हैं वो बरों में रहते हैं, पर पेट रैबिट मतलब हमारे साथ हमारे घर पे रहते हैं वो हच, हम उसके लिए हच बनाते हैं।
फिर गोट एंड शीप लिव इन अ पेन, उसका घर क्या है? पेन। हॉर्सेस, हॉर्सेस के लिए हम क्या बनाते हैं बच्चों? स्टेबल। हॉर्सेस के लिए स्टेबल। फिर सम एनिमल्स मेक देयर ओन होम, कई सारे ऐसे एनिमल भी हैं बच्चों कि वो अपना खुद का घर बनाते हैं। कैसे? बर्ड बिल्ड देयर होम्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, बर्ड्स ट्री ब्रांच पे अपना घर, अपना नेस्ट बनाते हैं। सम बर्ड बिल्ड नेस्ट इन होलो ऑफ ट्री ट्रंक, होलो मतलब ट्री में बखोल जैसा होता है, वहां पे कई सारे बर्ड्स और एनिमल्स उस होलो ऑफ ट्री ट्रंक के अंदर अपना नेस्ट बनाते हैं। रैबिट्स मेक बरो अंडर द ग्राउंड, मतलब जमीन के अंदर रैबिट्स अपना हाउस होम, उसके होम को क्या बोलते हैं? बरो, बनाते हैं। अब आया सम एनिमल्स सच एज रैट एंड स्नेक लिव्स इन होल, होल में रहते हैं ना, उसके घर को क्या बोलते हैं? होल। तो वो डग बाय देम, वो क्या करते हैं? डग मतलब खोदते हैं जमीन को, ग्राउंड को खोदते हैं और वहां पे होल बनाते हैं और उसके अंदर रहते हैं। अब पेज नंबर 4343, वहां पे हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इंसेक्ट्स आर स्मॉल क्रिएचर्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर, मोस्ट इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स, सम हैव विंग्स टू फ्लाई, सम इंसेक्ट्स सच एज द बीज एंड द एंट्स मेक देयर ओन होम्स, बीज लिव इन अ हाइव, एंट्स लिव इन अ एंट हिल, एनिमल्स दैट लिव इन वॉटर, सम एनिमल सच एज ए फिश, वेल, ऑक्टोपस एंड सो ऑन लिव ओनली इन वॉटर विच इज देयर नेचुरल होम, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, सम फिश आर कैप्ट इन अवर होम एज अ पेट, दे आर कैप्ट इन अ फिश टैंक, इट इज देयर मैन मेड होम। ओके किड्स, यहां तक हमने रीडिंग किया, आप एक्सप्लेन करें। इंसेक्ट्स आर स्मॉल क्रिएचर्स, छोटे छोटे एनिमल, क्रिएचर मतलब छोटा वाला पानी, आर फाउंड एवरीवेयर, सब जगह पर वहां में इंसेक्ट्स छोटे छोटे दिखाई देते हैं। पर इंसेक्ट्स के कितने लेग्स है पता है? सिक्स लेग्स होते हैं। सम हैव विंग्स टू फ्लाई, फ्लाई करने के लिए किसी के पास विंग्स होती है। सम इंसेक्ट्स एज ए बीज एंड एंट मेक देयर ओन होम। ओके, बीज एंड एंट्स मेक देयर ओन होम, मतलब कि वो अपना घर खुद बनाते हैं। बी का घर कौन सा है? बी हाइव। बी के घर को हम क्या बोलते हैं? बी हाइव। एंड एंट्स लिव इन एंट हिल, एंट्स कहाँ पे रहती है? एंट हिल में रहती है। एनिमल्स दैट लिव इन वॉटर, अब क्या है? आपके पानी में रहने वाले एनिमल्स, सम एनिमल्स फिश, वेल, ऑक्टोपस, कई सारे एनिमल्स लिव ओनली इन वॉटर, कहाँ पे रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं। विच इज देयर नेचुरल होम, ये उसका नेचुरल होम है, किसका? फिश, ऑक्टोपस एंड कई सारे एनिमल्स का। दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन वॉटर, वैसे ही एक्वेटिक एनिमल्स मतलब लिव इन वॉटर। सम फिश आर कैप्ट इन अवर होम एज ए पेट, कई फिश को हम अपने घर पे पेट के तौर पे रखते हैं। दे आर कैप्ट इन ए फिश टैंक, फिश टैंक होता है ना ग्लास का बना हुआ, कई सारे के घर में आपके घर में होंगे तो वो फिश टैंक के अंदर फिश रहती है। इट इज देयर मैन मेड होम, ये फिश का मैन मेड होम है। ओके किड्स, नाउ टर्न द पेज 4444, हम पहले क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे। एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वॉटर, सम एनिमल्स सच एज द क्रोकोडाइल एंड द फ्रॉग लिव बोथ इन वॉटर एंड ऑन लैंड, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स, मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वॉटर, शेल्टर एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स
from other wild animals. Animals move in different ways. Some gallop, some slither, some climb, some walk very slowly, some fly in the sky, some run very fast. Animals and their young ones. All animals have babies who look like them. Here we have few animals with their young ones. पेज नंबर 4545 पे, वहां पे हम साथ में रीडिंग करेंगे. ओके, द यंग वन ऑफ ए लायन इज अ कब. द यंग वन ऑफ ए काउ इज अ काफ. द यंग वन ऑफ ए डॉग इज अ पप्पी. द यंग वन ऑफ ए हॉर्स इज अ फॉर. नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 4646. द यंग वन ऑफ ए कैट इज अ किटन. The young one of a duck is a duckling. The young one of an elephant is a calf. The young one of a hen is a chick. Uses of animals. Animals are very useful to us. Cows and buffaloes give us milk. From milk we get curd, butter and cheese. Milk is good for our health. It makes our teeth and bones strong. Sheep give us wool. Woolen clothes keep us warm when it is cold. Not all insects are harmful. Some insects are useful. Bees give us honey. Honey tastes sweet and is good for health. It is used in some medicines. Page number 4747. Donkey carry loads. Oxen help the farmers to plow the field. We get silk from silkworms. Okay kids, now the reading is finished and open page number 4444 वापिस. वहां पे मैं आपको explain कर रही हूँ. अब आया animals that live both on land and in water. हमने सिर्फ पहले लैंड पे रहते हुए, अकेले पानी में रहते हुए एनिमल्स के बारे में तो समझ लिया. अब हम किसके बारे में समझेंगे. सम एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ, पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं. दोनों एनिमल्स के, दोनों जगह पर रहते हैं, उस एनिमल के बारे में सोचते हैं. सच जैसे क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग, आपने ये दोनों एनिमल्स देखे हैं. दे बोथ लिव इन वॉटर एंड ऑन लैंड. वो पानी में भी जिंदा रह सकते हैं और लैंड पे भी जिंदा रह सकते हैं. पर फिश, फिश देखिए ना आप, फिश पानी के बगैर जिंदा रह सकती नहीं है. उसको पानी में ही रखना चाहिए. अगर थोड़ी देर पानी से बाहर निकालोगे तो थोड़ी देर के बाद वो मर जाएगी. तो पानी से बाहर उसको निकालना नहीं है. बट क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग वो दोनों जगह पर रह सकते हैं. अब आया मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स. मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड प्रोटेक्ट देयर सेल्फ्स फ्रॉम अदर वाइल्ड एनिमल्स. कई एनिमल ऐसे हैं जो सर्च ऑफ, ढूंढने निकलते क्या, खाना, फूड, वाटर मतलब पानी, शेल्टर मतलब अपना घर, अपना होम ढूंढने के लिए और प्रोटेक्ट अवर देम सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए. किससे बचाने के, दूसरे अदर एनिमल्स से बचने के लिए, बचाने के लिए, हम ह्यूमन बीइंग से बचने के लिए. उनको किसकी जरूरत होती है, घर की जरूरत होती है और वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज, वो अलग अलग वे में मूव करते हैं. सम गलो, कई सारे एनिमल्स गलो मतलब दौड़ते हैं. सम स्लीथर मतलब जमीन के साथ अपने बॉडी को घसीटते हुए चलते. सम क्लाइम मेरी तरह, हम बंदा, यस, क्या करता है, क्लाइम मतलब लटक जाता है तो वो क्लाइम करते हैं. सम वॉक वेरी स्लोली, टोर्टोइस की तरह बहुत स्लोली चलते हैं. सम फ्लाई इन द स्काई, स्काई पे क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं. सम रन वेरी फास्ट, बहुत ही स्पीड में रनिंग करते हैं.
अब आए एनिमल्स एंड यंग वंस। अब एनिमल्स के यंग वंस को क्या कहते हैं? ऑल एनिमल्स हैव बेबीज हु लुक लाइक देम। सारे एनिमल्स को उसके जैसे ही बच्चे होते हैं। हियर वी हैव फ्यू एनिमल्स विद देयर यंग वंस। कुछ एनिमल्स दिए हैं उस यंग वंस के साथ उसके बच्चे के साथ। तो पहला पिक्चर में है लायन एंड कब। तो लायन के बच्चे को क्या बोलते हैं हम? कब। लायन के बच्चे को क्या बोलेंगे? कब। फिर काउ के यंग वन को काफ। काउ के यंग वन को क्या बोलेंगे किड्स? काफ। फिर डॉग एंड पप्पी। डॉग के बच्चे को पप्पी कहते हैं। यंग वन ऑफ हॉर्स। हॉर्स के बच्चे को फॉल कहते हैं। हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हैं? फॉल। केट के बच्चे को किटा। केट के बच्चे को क्या बोलते हैं? किटा। डक उसके यंग वन को डकलिंग। डक के यंग वन को डकलिंग कहते हैं। एलिफेंट के यंग वन को क्या बोलते हैं? काफ। एलिफेंट के यंग वन को काफ। एंड हेन के बच्चे को चिक। हेन के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? चिक बोलते हैं। तो ये थे एनिमल्स के बच्चे जो उसके जैसे ही दिखते हैं। अब आया यूजेस ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल हम इंसान को बहुत तरीके से यूजफुल होते हैं। कौन कौन से? काव एंड बफेलोस गिव अस मिल्क। आपको पता है काव बफेलो गोट सम गोट सम कैमल्स गिव अस मिल्क। हमें मिल्क देते हैं। फ्रॉम मिल्क। मिल्क में से हम क्या बनाते हैं? कर्ड बटर चीज पिज्जा। याद आ गया ना बच्चों? चीज का नाम लिया तो यस पिज्जा पे जो डालते हैं वो चीज। फिर बटर कर्ड मतलब दही। बटर मिल्क हमें किस में से मिलती है बच्चों? मिल्क में से मिलती है। किस में से? मिल्क। मिल्क इज गुड फॉर अवर हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इट मेक्स अवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। हमारे टीथ एंड हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग बनाते थे मिल्क। तो आपको एवरीडे कंपल्सरी दूध तो वन ग्लास सुबह, वन ग्लास नाइट को और वन ग्लास दोपहर को होने के बाद, मतलब तीन ग्लास एवरीडे आपको मिल्क पीना चाहिए। फिर आया सीप। सीप गिव अस वूल। वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म व्हेन इट इज कोल्ड। शीप हमें क्या देता है? वूल देता है। वूल में से हम स्वेटर जैकेट वूलन क्लोथ्स बनाते जो हमें ठंडी से बचाते। बहुत ठंड जब पड़ती है तब हम वूलन क्लोथ्स पहन के अपने आप को वार्म मतलब गर्म रखते हैं। फिर आया इंसेक्ट्स। छोटे छोटे इंसेक्ट्स आपको ऐसा ही लगता है कि वो हमें नुकसान पहुंचाते पर कई ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमें यूजफुल भी होते। बी हनी बी हमें हनी देती है। बीस गिव अस हनी जो उसका यूज हम मेडिसिन की तौर पे बहुत अच्छी तरीके से अभी तक कर रहे हैं। हनी में से बहुत सारी मेडिसिन बनती है। उसका टेस्ट स्वीट होता है। आपने टेस्ट किया है? मैंने तो हनी टेस्ट किया है। बहुत ही स्वीट लगता है हनी का टेस्ट। और अगर आपको जुकाम सर्दी कफ कोल्ड हुआ है तो आप हल्दी मतलब टर्मरिक के साथ अदरक के साथ हनी को लो तो आपकी सर्दी गायब। इसलिए हनी मेडिसिन की तरह यूज करते हैं हम। डोंकी कैरी लोड्स। डोंकी क्या करता है? वेट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर उसकी पीठ पर हम रख देते हैं तो वो ले जाता है। ऑक्सन हेल्प द फार्मर्स टू प्लाउ द फील्ड। ऑक्सन फार्मर मतलब किसान को खेत में बहुत उपयोगी होता है। फार्म में वो क्या करता है? ग्राउंड को डक करता है मतलब डक करने में ऑक्सन बहुत ही हेल्पफुल होता है। फिर वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म हमें क्या देता है? सिल्क देता है जो हम वेडिंग फंक्शन के बर्थडे पार्टीज उसमें हम वो सिल्क के कपड़े पहन के पार्टी में जाते हैं। तो सिल्क वॉर्म भी इंसेक्ट्स है वो हमें सिल्क देता है। ओके बच्चों, तो अब ये शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स। कहाँ पे रहते हैं एनिमल्स? लिव ऑन लैंड लाइक लायन टाइगर फॉक्स डियर ज़ेब्रा एक्सेट्रा। फिर एनिमल्स लिव इन वाटर।
फिश, व्हेल, ऑक्टोपस एक्सेट्रा ये थे। फिर आया एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, कौन कौन? क्रोकोडाइल, फ्रॉग एक्सेट्रा, ये तीनों एनिमल्स के हैबिटेट थे। फिर आया यंग वंस ऑफ एनिमल्स, लायन, कॉग, काउ, काफ, डॉग, पप्पी, हॉर्स के बच्चे को फॉल, कैट, किटन, डक, डकलिंग, एलिफेंट, हाफ, हेन, चिक, ये सब उसके बच्चे हैं। फिर आया मूवमेंट्स ऑफ एनिमल, सम एनिमल गलोप, सम स्लीथर, सम एनिमल्स क्लाइंब, सम एनिमल्स फ्लाई, इस तरह कई सारे एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट वे से चलते हैं। आया समझ में इतना? और एक चीज रह गई कि एनिमल्स के होम, होम ऑफ एनिमल्स, तो डॉग केनाल, फिर काउ एंड बफेलो शेड, हेंस आर केप्ट इन कूप, पेट रैबिट्स आर केप्ट इन हॉज, गोट एंड शीप इन पेन, हॉर्स इज स्टेबल। ये सब एनिमल्स के बारे में ये चैप्टर 3 में हमने अब समझ लिया है। ओके किड्स, तो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। आभार।